नमस्कार दोस्तों, जय विश्वलेश्वर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रक्त संबंध। तो दोस्तों रक्त संबंध का एक वीडियो मैं करवा चुका हूँ, नहीं देखा आपने तो इस वीडियो के आपको प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे रक्त संबंध में। तो दोस्तों आगे का पॉइंट है कि इशारा, यानी यदि किसी तस्वीर की ओर इशारा करती हुई आपसे कहा जाए तो उस तस्वीर में आप स्वयं भी हो सकते हो, कौन आप स्वयं भी हो सकते हो और अदर कोई पर्सन भी हो सकता है, स्वयं और कोई, स्वयं और यदि किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आपसे कहा जाए, यदि इशारे में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है इशारा करके कहा जाए कि वह व्यक्ति मेरा मामा का भाई लगता है या फिर और कोई भी लगता है, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप नहीं होगे। क्या है उस व्यक्ति में, यदि व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो आप स्वयं नहीं होंगे, ये याद रखना दोस्तों इस पॉइंट में, स्वयं नहीं है, स्वयं नहीं। तो दोस्तों यहां पर कंफ्यूज दो ही बात से आती है कि जब इशारे में पूछा जाए, यदि तस्वीर में पूछा जा रहा है, तस्वीर की ओर इशारा किया जा रहा है तो उसमें आप हो सकते हो, यदि तस्वीर की ओर इशारा नहीं किया जा रहा, किसी व्यक्ति की ओर या किसी वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है तो उसमें आप स्वयं नहीं हो सकते, इस बात का याद रखना। तो दोस्तों चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक लड़के की ओर, एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा कि वह मेरे पिता, आपको इस प्रकार से बनाना है, ये सूरज ने कहा, अब सूरज ने कहा इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कि यह कौन है, तो वो बोल रहा है, सूरज कहता है कि वह मेरे पिता के दामाद की, यानी पिता के दामाद, ये हो गए दामाद, दामाद। अब सूरज के पिता आपको इस प्रकार से बनाना है, पिता, ये मैंने ऊपर सिंबल दे दिए हैं माता पिता के, हमें किस प्रकार से सिंबल बनाना है, पुत्र पुत्री का आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसा कि मैंने बनाया कि माता पिता के इस प्रकार से, भाई बहन का ये सिंबल दे दिया और पुत्र पुत्री का इस प्रकार से दे दिया, आपको जिस टाइप के सिंपल लगे आप वैसा करके कर सकते हो। क्वेश्चन हमें निकालना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा कि वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, तो वह सूरज की किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों हमें बताना है इस लड़की और इस सूरज के बीच में संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। तो दोस्तों ये एक पीढ़ी नीचे आ जाती है क्योंकि मैंने बताया था कि दामाद और लड़की, तो सूरज के यानी सूरज के पिता के दामाद, यानी सूरज के क्या हुए, जीजा, क्या हुए, जीजा, और अपने जीजा की लड़की, तो क्या हुए दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, भांजी। तो देख लेते हैं हम, इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारे इजीली क्वेश्चन आसानी से और सही सही क्वेश्चन निकल आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भतीजी या भांजी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक, भतीजी या भांजी आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, किसका, लड़के का परिचय करा रही है, एक क्वेश्चन है परिचय, और अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी तस्वीर के लिए इशारा बताया, इशारा करके बताया, अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, परिचय करवा रही है। तो परिचय, परिचय में देख लेते हैं कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है कि मेरी माँ के भाई, तो कौन है दोस्तों, माँ के भाई, तो मैं बोला था भाई बहन का रिश्ता मैंने इस प्रकार से बनाया था, भाई बहन, तो माँ के भाई, यानी माँ के भाई, तो आप याद रखना ये लड़की परिचय करवा रही है एक लड़के का, तो माँ के भाई तो मामा हुए ना, और इकलौती बहन का बेटा है, वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है, यानी वह लड़का है, जो यह लड़का इस लड़की के माँ के भाई, अब भाई की बहन,
तो भाई की भी क्या दोस्तों, बहन है। यहां पर देख लेते हैं, भाई की बहन यहां पे ही आएगा, भाई की बहन। तो भाई की बहन का इकलौता बेटा है, तो भाई की बहन कौन हुई? इस लड़के की माँ, क्योंकि ये तो मामा, इस लड़की के और इस भाई के बीच में क्या दोस्तों, मामा भांजी का रिलेशन बनता है। और यहाँ पर ये बहन इकलौती बहन है भाई की, तो इसकी माँ ही हुई ना, क्योंकि इसकी माँ का भाई ही है, तो यही हुई इसकी माँ। और क्वेश्चन क्या कहता है, पर लड़का लड़की से किस प्रकार से संबंधित है? तो दोस्तों इन दोनों में, ये लड़का सॉरी ये लड़का और इस लड़की में संबंध क्या है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहां से कि भाई का संबंध इनमें व्यक्त हो रहा है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाई। तो दोस्तों इस प्रकार से रिलेशन बनाना है हमें, इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और इनको इजीली तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसमें रक्त संबंध में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है इकलौता। इकलौता स्टार लगा लेना दोस्तों, इकलौते पे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इकलौते में से दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, कौन कह रहा है दोस्तों? नरेश। तो यहां पर नरेश लिख लेंगे। नरेश क्या कहता है? नरेश कहता है कि वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है, यानी ससुर। यहां पर क्या है दोस्तों? ससुर, ससुर के इकलौते बेटे। अब ससुर है, ससुर वर्ड आया, तो ससुर का इकलौता बेटा, तो यहां से निकालेंगे ससुर का इकलौता बेटा। अब बेटा यानी दोस्तों, अब इसमें तो बाप बेटे का यहां पर रिलेशन बन रहा है, और यहां पर बन रहा है दामाद का, दामाद और दामाद ससुर का रिलेशन बन रहा है यहां पर, और यहां पर पिता और बेटे का रिलेशन बन रहा है, और दोस्तों यहां पर बन रहा है जीजा साले का रिलेशन बन रहा है, जीजा साले का रिलेशन बन रहा है। अब दोस्तों यहां पर तो हमने संबंध बना दिए, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटे का भांजा, यानी इकलौते बेटे का भांजा। ससुर का तो इकलौता ही बेटा है ना, तो हमें तो सिर्फ ये इसका इकलौता बेटा है, इसका जीजा साले का रिलेशन है, ठीक है। अब इसका भांजा, क्योंकि चूंकि इकलौता बेटा है, और यहां पर बनता है क्या दोस्तों? भांजा। अब हमें क्वेश्चन में, तो नरेश लड़के का नरेश से क्या रिश्ता होगा? तो दोस्तों यहां पर तो दामाद है, और यहां पर है क्या? भांजा। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पर इकलौता बेटा दिया है, लेकिन इकलौता दामाद नहीं दिया है, इसलिए हम इसमें ये भी नहीं कर सकते कि यहां पर इकलौता दामाद है तो ये बेटा ही होगा। लेकिन हाँ, हम यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है कि बेटा ऑप्शन दिया है, और मामा दिया है, चाचा दिया है, इसलिए इसका सही आंसर तो आएगा दोस्तों बेटा। लेकिन दोस्तों याद रखना, यदि यहाँ पर बेटा नहीं दिया होता, यहाँ पर और कुछ दिया होता, तो हम वो भी कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दामाद इकलौता नहीं दिया है। यदि दामाद और भी हुए, यदि इसके दामाद और भी हुए ससुर के, तो हम यहाँ से किस प्रकार से कह सकते हैं कि बेटा हुआ? क्योंकि मौसा मौसा भी तो हो सकता है, एक रिलेशन और बनता है कि मौसा भी तो हो सकता है इसका, क्योंकि यहां पर बेटे यानी बेटा इकलौता दिया है, लेकिन दामाद इकलौता नहीं दिया। तो हम यहां पर किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों? फिर देखेंगे हम ऑप्शन के, ऑप्शन में क्या है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन में यहां पर बेटा मिला है, हर जगह आपको ऑप्शन नहीं देखना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन आपको हर जगह ऑप्शन नहीं देखना। यदि यहां पर क्वांटिटी में और कुछ दिया होता, यदि मौसा दिया होता, तो आप फिर यहां पर मौसा लगाकर आते, क्योंकि यहां पर मौसा भी हो सकता है, इकलौता बेटा दिया है, ना कि दामाद दिया है। तो याद रखना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, तो आप इस प्रकार से बनाकर देखिएगा, फिर वहां पर उसका एनालिसिस करके अपने माध्यम से हल कीजिएगा, तो आसानी से आपसे हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे तस्वीर, फोटो, इशारा, इकलौता या एकमात्र। तो दोस्तों इन वर्णों का हमें यूज करना पड़ता है अधिकतर। तो दोस्तों हमें करना क्या है, रक्त संबंध निकालते समय हमें कुछ वर्ण होते हैं महत्वपूर्ण, उन पर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि उन वर्ण के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से ही हम क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं।
तो दोस्तों किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे एक लौता है तो एक लौते में क्या है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, महिला के बारे में पूछा जा रहा है कि पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी आपको डिसाइड करना होता है क्वेश्चन करते समय। इशारा किसके प्रति बोला जा रहा है, महिला के लिए कहा जा रहा है, पुरुष इशारा कर रहा है कि महिला इशारा कर रही है किसी पुरुष के लिए, यहाँ पर कोई लड़की इशारा कर रही है लड़के के लिए, लड़का इशारा कर रहा है लड़की के लिए। यहाँ पर फोटो में आ जाता है दोस्तों, तस्वीर या फोटो में आप देख लेंगे लड़का इशारा कर रहा है किसके लिए, लड़की की ओर, या लड़की इशारा कर रही है लड़के की ओर। आपको यहाँ पर इतने वर्ड तो याद रखने ही है कि यहाँ पर मेन फोकस करना है कि किसके लिए कहा जा रहा है, तस्वीर में कौन है और कौन कह रहा है। आपको इन वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है कि तस्वीर में कौन है और बोल कौन रहा है, वो किसके बारे में बोल रहा है, वो लड़का है या लड़की है, और इकलौता है तो कौन है इकलौता, इकलौता वो लड़का है या लड़की है, और एक मात्र में भी वो यही आएगा। तो दोस्तों हमें इन सारी बातों पे रक्त संबंध के क्वेश्चन करते समय याद रखना होता है दोस्तों, फोकस इन्हीं वर्ड पे करना पड़ता है जब हमारे सही आंसर निकल के आते हैं। दोस्तों किस प्रकार से आएंगे, दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा, किसकी ओर, तो यहाँ पर एक लड़की की तस्वीर है, किसकी है, लड़की की, सबसे पहले लिखेंगे हम लड़की की तस्वीर है, ठीक है। अब नीता इशारा कर रही है इसकी ओर, ठीक है। अब नीता ने कहा कि वह मेरे पिता, अब यहां पर क्या करेंगे, नीता के पिता, नीता के पिता। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि मेरे पिता की इकलौती बेटी, बेटी की बेटी है, पिता की इकलौती, यदि नीता कह रही है, यदि दोस्तों यदि यहां पर नीता कह रही है कि मेरे पिता, नीता के पिता की इकलौती बेटी, तो यहां पर याद रखना दोस्तों नीता के पिता की इकलौती बेटी तो नीता ही हुई ना, नीता के इकलौते पिता की बेटी नीता हुई, और नीता क्या कह रही है कि बेटी की बेटी, यानी पिता की इकलौती बेटी की, यहां पर नीचे भी आ जाएगा बेटी। अब ये यहां पर तो इकलौती बोला जा रहा है, इकलौती, तो यहां पर याद रखना दोस्तों यहां पर इकलौती बोला जा रहा है, और यहां पर नीता नीता इकलौती बेटी है और नीता की बेटी। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीता और इस तस्वीर वाली लड़की के बीच में संबंध क्या होगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे इन दोनों का संबंध बताएंगे, तो यहाँ से ये पिता माता पिता का संबंध है, ये पिता है, तो यहाँ पर एक कौन है दोस्तों, माँ है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आएगा, इतना इजी तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं सिर्फ फोकस करके कुछ शब्दों पर कि क्या बोला जा रहा है और हमें क्या निकालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दो, माँ। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वीडियो कुछ बड़ा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करवाना। तो दोस्तों एक बात और है, कल हम पढ़ेंगे गणितीय संकेतों पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों गणितीय संकेत, गणित के जो संकेत होते हैं उनसे कैसे संबंध बनते हैं, और सिंबल, ऐसे जो सिंबल होते हैं, स्टार होता है, कुछ माइनस होता है, इनसे किस प्रकार के संबंध बनते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द वॉच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।